जैसे उनका 50 लाख का बजट था तो उन्होंने फॉर्चुनर ही क्यों ली? और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थे, बढ़िया थे। फॉर्चुनर आप मेरे हाथ पे देख पा रहे हो, ये पूरा नाइट के समय में अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्लो करता है। हेलो भाइयों, कैसे आप सब? आज का हमारा जो गाड़ी है होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, और इस गाड़ी को तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब काफ़ी फेमस गाड़ी है, इसके इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ दरअसल फॉर्चुनर में क्या क्या काम होने आ रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं फ्रंट लुक्स की बात करता हूं तो फ्रंट से देख लो गाड़ी में जो ये वाला पार्ट है ये लगा हुआ है, इसमें बम्पर प्रोटेक्टर पूरा आपका जो ये चीज़ है ये पूरी लगी हुई है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। आप इसका लुक भी देख सकते हैं जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बल्कि बल्कि यहाँ पर फील आती है गाड़ी में। अब देख लो जैसे फॉर्चुनर की प्रॉपर यहाँ पर बैजिंग हुई हुई है, इस साइड भी देख लो आप। जैसे और गाड़ी में क्या लगा है, जैसे गाड़ी में अभी देख लो जैसे फॉर्चुनर वगैरह है तो इसमें यहाँ पे सायरन लगा हुआ है ग्रैंड कंपनी का, यहाँ पे देख लो इसकी फिटमेंट हुआ हुआ है, इसका मैं आपको दिखा दूँगा। और जैसे साइड में बात करता हूँ मैं, साइड में गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है देख लो। साइड में सबसे पहले यहाँ पे साइड जो है क्लैडिंग का यूज़ किया गया है, जो आपको इसको बीडिंग भी बोल सकते हैं, देख लो आप ये लगी हुई है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे देख लो इसमें जो डोर वाइजर्स हैं वो भी लगे हुए हैं क्रोम फिनिशिंग के साथ। और जो फॉर्चुनर यहाँ पे देख लो आप, फॉर्चुनर की प्रॉपर बैजिंग भी हुई हुई है। और अगर मैं रियर से बात करता हूँ तो रियर में भी देख लो आप गाड़ी में जो काम हुआ है उनसे भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले देख लो आप ये वाला जो पूरा पार्ट है ये भी चेंज किया गया है, देख लो यहाँ पे जैसे ग्लोस ब्लैक फिनिशिंग के साथ, और ये वाला ये कम्प्लीट अलग अलग उसमें था पोर्सन में, अब आप इसको बता भी नहीं सकते देख के कि अलग अलग पार्ट में था। देख लो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है जो कि गाड़ी के लुक को इनहेंस कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बम्पर पट्टा। ये भी आप देख लो प्रॉपर फॉर्चुनर वाला, इसकी भी आप यहाँ पे फिनिशिंग चेक कर सकते हो। और इस साइड की बात करता हूँ तो मैं, इस साइड भी आप जैसे यहाँ पे फॉर्चुनर की यहाँ पे क्लाइडिंग लगी हुई है, और ये जो डोर वाइजर्स वगैरह ये मैंने आपको दिखा दिए प्रॉपर फॉर्चुनर के, और जो अंदर है वो भी भैया काम कर रहे हैं अभी, उसके बारे में आपको बता दूंगा। अच्छा, जो गाड़ी में इंटीरियर में काम हुआ उसके बारे में बताता हूँ। देख लो आप जैसे यहाँ पे पहले येलो लाइट आती है तो ये चेंज करवा के भैया ने यहाँ पे पेडल लैंप का ऑप्शन करवाया प्रॉपर फॉर्चुनर वाला, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी अगले डोर्स में हुआ है, रियर के डोर में हो जाएगा तो भैया उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे अभी हम डोर ओपन करते हैं यहाँ पे देख लो प्रॉपर LED वाला आता है, और देख लो आप यहाँ पे फॉर्चुनर आप मेरे हाथ पे देख पा रहे हो, ये पूरा नाइट के समय में अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्लो करता है। तो इसकी फिनिशिंग देख लो काफ़ी अच्छा है, ये भी एक प्रीमियम फीचर ऐड हो जाता है गाड़ी के अंदर। तो जैसे रियर में हो जाएगा उसके बारे में आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे भैया ने भी सायरन वगैरह की यहाँ पे फिटमेंट करती है। वैसे अगर हम गाड़ी में बात करते हैं तो आपको पता ही है जैसे फॉर्चुनर रहती है इसमें ऑलरेडी सभी काम हुआ हुआ आता ही है, जैसे यहाँ पे लेदर वगैरह, लेदर सीट्स कवर, ये सभी चीज़ें, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह, ये देख लो ऑटोमेटिक सीट्स, यहाँ पे भैया ने ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोर मैट्स इंस्टॉल कराए हुए हैं इसमें। देख लो यहाँ पे भी जैसे टोयोटा वगैरह की प्रॉपर बैजिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इसमें मतलब इतना कुछ एक्स्ट्रा खास होता नहीं है मॉडिफाई कराने के लिए, स्पीकर्स वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे जैसे सॉफ्ट टच मटेरियल और LED लाइट्स वगैरह ये सभी तो आती ही हैं। और जैसे एक दो जो भैया ने छोटा मोटा जो इसमें मतलब जैसे जैसा इसमें काम कमी थी वो उन्होंने कंप्लीट करा लिया है। देख लो आप जैसे लाइट्स वगैरह का मैंने आपको दिखाई दिया, जैसे डोर वाइजर्स, रेन वाइजर्स, ये क्रोम वगैरह भी आते हैं, क्रोम के हैंडल्स भी आते हैं इसमें। और ये भी देख लो आप, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। जैसे भाइयों अभी इसका सायरन वगैरह इन सब चीज़ों का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, मैं उसका एक मिनट आपको उसका आउटपुट भी सुना देता हूँ। जैसे कि आपने देखा हॉर्न वगैरह, इस सायरन वगैरह का साउंड, ये सभी चीज़ें हो चुकी है। मैं आपको ओनर से मिलाऊंगा, उससे ही पूछूंगा उनसे काम दरअसल कैसा लगा, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो अभी जैसे भैया गाड़ी के ओनर है तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे दरअसल पूछूंगा उनको काम का एक्सपीरियंस कैसा लगा, उन सभी चीज़ों के बारे में बताइए भैया। भाई काम का एक्सपीरियंस तो जो हमने आप देख ही रहोगे जग्गी कार एसोसरीज से कराई है, सारी चीज़ बेस्ट थी। यहाँ पे करोल बाग में मैंने एक चीज़ देखी है, हर दुकान पे जाओगे हर अलग प्राइस और काफ़ी डिफरेंस, बट एक भरोसे वाली बात रहती है जो कि मैं इस जग्गी कार एसेसरीज में आया हूँ, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थे, बढ़िया थे, और एक्सपीरियंस भी इनका बढ़िया है। जैसे मैंने इनके बारे में पता भी किया था और काम भी बढ़िया करते हैं इनके, यहाँ पे 18 तो उन्होंने नौकर रख रखे हैं जो कि गाड़ियों में काम कर रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा भरोसा ज़्यादा हुआ तो मैंने इनके पास से कराया सारा काम। अच्छा, और बताइए आप, और बाकी तो आपने देख ही लिया होगा, शूट करा होगा, सारी एसेसरीज मैंने लगवाई है कम से कम
कुछ भी नहीं है, 24 से 25 हज़ार की एक्सेसरीज लगी है जो कि आप देख रहे हो छोटी मोटी चीज है, डोर वाइजर, ग्रेडिंग वगैरह। हाँ वो सभी, हाँ ये थोड़े सेफ्टी के लिए कराइए। बाकी जैसे भी हम भैया से पूछे हैं, जैसे उनका 50 लाख का बजट था तो उन्होंने फॉर्च्यूनर ही क्यों ली? भाई बात फॉर्च्यूनर की ऐसी है, सबसे अच्छी गाड़ी लगती है, रोड पे चलते हुए अच्छी लगती है, इसका डिज़ाइन, इसका लुक एक अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने फॉर्च्यूनर लिया है। और बाकी थोड़ी बहुत इसमें वो रहती है कराने की ज़रूरत, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत, जैसे कि टेल लाइट आपकी हो गई और थोड़ा आपने डोरज वगैरह अलग से अलॉयल वगैरह करा ले तो और भी अच्छा लगता है, और बाकी तो सब ठीक ही है इसमें। और एक पर्सनैलिटी पे भी सूट करती है, मुझे लगता है कि हाँ भाई कोई बंदा जा रहा है। हाँ ये तो है। और जैसे और आप कहीं शादी वगैरह में जाते हो तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते, देखते हैं कि भाई कौन जा रहा है, ये तो सबकी नज़र पड़ती है पहले, तो कोई पैसा लगा रहा है तो सही चीज़ पर लगाएगा। हाँ ये तो है भैया जी। जैसे अभी भाइयों काम फिनिश हो चुका है, अभी वो घर के लिए निकल रहे हैं।